ये किसी के बाप का धन ना खा रहे तो दूसरे घर में रहेंगे, सरकार हमें घर भी नहीं दे रही है, कहाँ रहेंगे हम लोग? अगर रोड नहीं जाम करेंगे तो क्या करेंगे? आज नहीं तो कल हमें बेघर होना ही है घर से। अपने पैसे से जमीन खरीदना कि फ्री में कोई बसा हुआ यहाँ पर? वोट लेने के टाइम पे तो सभी आ जाते हैं, अब जब हम लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तो उस वक्त ये लोग कहाँ है? नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज़तर्रार में। इस वक्त मैं दिल्ली के संगम विहार इलाके में मौजूद हूँ। मेरे पीछे तमाम पुलिसकर्मी आपको नज़र आ रहे होंगे और जिस जगह से मैंने इस खबर की शुरुआत करी थी वहाँ से मुझे दूर आकर इस खबर को दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल था बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। लोग धक्का मुक्की करने लग गए थे और कुछ लड़के बदतमीज़ी करने लग गए थे, जिस वजह से मुझे वहाँ से यहाँ पर आना पड़ रहा है इस खबर को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, तमाम लोगों से मैंने बातचीत की है, उन लोगों को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें जल्द ही अपने मकान खाली करने होंगे, जिसे लेकर तकरीबन कई हज़ार जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर नोटिस क्यों दिया गया, कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, तमाम सवाल है। इन सभी सवालों के जवाबों के लिए इन लोगों से जुड़ते हैं और आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। मैम, मैंने 32 साल से संगम विहार में रह रही हूँ। 32 साल से ऐसा कोई मतलब बात नहीं हुआ था कि ये जमीन दूसरे का है या उस पर केस चल रही है या उसका जमीन कभी मतलब आप लोग से छीना जाएगा। देखने भी नहीं आया कभी, कुछ नहीं हुआ, कभी देखने नहीं आया जमीन वाला कि यहाँ पे घास जम रही है कि आदमी। लोगों को पता था कि किसी और की जमीन है? नहीं मैम, किसी को नहीं। एक बोलो। और अगर किसी और का जमीन है रजिस्ट्री क्यों हुआ है? रजिस्ट्री क्यों करवा रहे हैं आप? सबका रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री हो रखी है मैम? है किसी के पास पेपर से? अभी पेपर तो नहीं है, पक्की रजिस्ट्री है, करने क्यों दे रहे? अगर किसी कब्जे का जमीन है तो क्यों करवा रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट बेकरी है जमीन? मैंने ये कह रही हूँ, एक नीरज नाम के आदमी आज आ जाता है अचानक से, फिर वो पटवारी आती है आता है, उसके बाद में वो क्या कहते हैं नाप तोल कर रहा है। अब हम लोग पूछ रहे हैं कि अब भाई साहब आप किस लिए ये इतने प्रशासन लेकर हमारे जमीन नाप रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप लोग का सर्वे हो रहा है। एक हफ्ता के बाद हम लोग के नोटिस हाथ में मिल जाती है, तो ये क्या कहते हैं 18-19 तारीख में आप लाइट कर, 18-19 तारीख के लाइट कट जाएगी, पानी कट जाएगी, 20 तारीख के आपका मकान टूट जाएगा, इससे पहले आप लोग जमीन खाली कर दीजिए। कोर्ट के नज़र में ना ये खाली है, मतलब दिखाई गए इसमें 35 घर है खाली और रियलिटी में यहाँ कम से कम 5 लाख लोग रहते हैं। 5 लाख लोग वहाँ? 5 लाख जहाँ आया है, मतलब कचरे में आया है ना जितना। तोड़ने की वजह क्या है, कुछ बन रहा है यहाँ? नहीं कुछ नहीं बन रहा, उसे दी जा रही है खाली। एक बंदे का नाम आ रहा है जिसमें उसे दी जा रही है। पाकिस्तान में रहता, पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ, वहाँ जानकारी आपको किसने दी है? नहीं पाकिस्तान का नहीं है, मतलब ये चीज में सुनने में आई है जी। पाकिस्तान जब जैसे हुआ था ना, जब उसे अलर्ट करी गई थी सरकार की तरफ से, ये सुनने में आया है बस। अच्छा, अलर्ट करी गई, जब क्यों नहीं आया वो? इनको मेरौली के साइड में जमीन दिए तो वो नहीं लिए, उसके बाद में बुराड़ी साइड में जमीन दिए तो नहीं लिए, उसके बाद में अब ये फिर कोर्ट में जाए तो कोर्ट वाले ने प्रशासन को फटकार लगाए, तो अब ये जमीन यहाँ पर आबादी ज्यादा है, ये जमीन लेने के लिए इनको यहाँ पर जमीन दिया गया है। उन्होंने अपने पैसे से जमीन खरीदना कि फ्री में कोई बसा हुआ यहाँ पर, ना कोई कब्जाधारी यहाँ पर है, सबने पैसे दिए। और सरकार को ये देखना चाहिए कि भाई जिसने जमीन काटी थी उसको पकड़ो, जिसने जमीन काटी है उसकी गलती है ना कि जनता की गलती है। और सबके पास कागज, अपने पास प्रूफ है, उनके पास अपने कागज उनके देखो, और कोई प्रूफ है आप लोगों के पास? सबके पास कागज है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे, कोई यहाँ फ्री में नहीं बैठा हुआ, कब्जा करके नहीं बैठा हुआ है, और मोहर बाकायदा अंदर कोर्ट की मोहर भी लगी हुई सबके कागजों पे। ये तो सरासर किसी को परेशान करने वाली बात है। परेशान है ना, आप सब देख रहे हैं हमारी परिस्थिति, अब क्या करें बताइए? कुछ है इसके अलावा इलाज हम लोग के लिए? हम लोग अगर रोड नहीं जाम करेंगे तो क्या करेंगे? आज नहीं तो कल हमें बेघर होना ही है घर से। कोई आया इसके पास, कोई प्रशासन, कोई आया? आज हम घर, हमारा घर टूटेगा तो सड़क पे ही आना है, तो हमने सोचा अभी चले सड़क पे ही बैठते हैं, क्या करें, क्या कर सकते हैं बताइए? हम लोग 4-5 घंटे से हाईवे रोक रखे हैं, कोई भी नहीं आया हमारी सुनवाई करने। क्या हम लोग इंसान नहीं है, क्या हम जनता नहीं है? आप लोग हमसे हैं कि हम लोग आपसे हैं? बताइए क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? मैडम ऐसा है, यहाँ का जो है कि यहाँ का नोटिस जो दिया गया है, ये गरीब लोग यहाँ 40-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ये इन लोगों की कोई गलती इसमें है नहीं। यहाँ के जो विधायक हैं, दो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, एक संजीव झा लगते हैं, इधर से दलीप पांडे लगते हैं, दो ही निगम पार्षद हैं वहाँ। यहाँ पार्टी का कोई भी नुमाइंदा यहाँ आकर के इन गरीबों की कोई सुध लेकर राजी नहीं है। जब वोट का टाइम आता है धरने प्रदर्शन करते हैं आम आदमी पार्टी, लोगों को बहका करके वोट ले जाती है, लेकिन आज इन ये लोग परेशान हैं तो आज इनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। विधायक जी से लोगों ने गुहार लगाई थी, दलीप पांडे से, संजीव झा से, दोनों ने
हाथ उठा दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि क्योंकि ये जो है यहाँ की जनता कितनी परेशान है ये मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। देखिए मैं आपको बताऊँ, संगम विहार का इलाका है, तमाम लोग आप लोग मेरे आसपास देख रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग सड़कों पर आए हुए हैं। अब इसकी वजह ये है कि यहाँ पर इन तमाम लोगों को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि इन लोगों को जल्द से जल्द अपने मकान खाली करने होंगे और अगर ये मकान खाली नहीं करते हैं तो इनके जो मकान हैं वो तोड़ दिए जाएंगे, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आ गए हैं सड़कों पर। और जैसा कि मैंने इन लोगों से पूछा कि कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये नोटिस दिया गया, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं जो अब बेघर होने की कगार पर हैं, तो इन लोगों का कहना है कि तकरीबन 5 लाख लोग ऐसे हैं जो अगर इन नोटिस को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो यहाँ पर बेघर होते नजर आएंगे। इसी वजह से ये लोग सड़क पर यहाँ पर इकट्ठा हैं और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि सुबह से ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक कोई भी इन लोगों से मिलने नहीं आया है, कोई भी इन लोगों की आवाज़ यहाँ पर सुनने के लिए नहीं आया है। अगर कैमरा मैन उस तरफ दिखाएंगे आपको नजर आएगा कि आस पास मेरे जितने भी हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे और सबका रीजन एक यही है कि यहाँ पर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ये जो घर है इनके वो तोड़ दिए जाएंगे। बहरहाल पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है वो आप जरूर बताइएगा। दादागिरी नहीं चलेगी, आगे भगा रहे हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। क्या हुआ है, क्या हुआ है? जी नोटिस आया मैडम, नोटिस किस चीज का? जी मकान तोड़ने का मैडम। कहाँ रहते हैं आप? जी 5 नंबर गली मैम, संगम विहार 5 नंबर गली। सबके नोटिस आया हुआ, सबके घर तोड़ने की बोल रहे हैं। 19 तारीख को बिजली कट जाएगी, पानी कट जाएगा और यहाँ घर ये जो आपके घर है वो रजिस्टर है ना, हमारे नाम पर रजिस्टर खरीद, सारे प्रूफ भी है। जी मैम क्यों तोड़ने को कहा जा रहा है? ये जो पहले क्या बोला, ये पाइप और का है, किसी और का कहा जा रहा है, बिजली लाइट सब मर गया। आप ये बताइए, जब 50-60 साल से केस लड़ा जा रहा है, ठीक है, जब लड़ा जा रहा है, पब्लिक जब जमीन खरीद रही है तो रजिस्ट्री कैसे हो रही है और डीलर कैसे है? और आज 30-35 साल हो गया रहते हुए अब ऑर्डर आया है कि इसको तोड़ा जाएगा कोर्ट की तरफ से, ऐसे कैसे हो सकता है? लाइट दे दी, पानी दे दी, रोड दे दी और आधार कार्ड पहचान पत्र सारा सीवर बीवर सब हो गया, तो फिर जब ये जमीन थी नहीं है पब्लिक की तो फिर ये कैसे बेची गई और कैसे आज इनको याद के पास पक्के कागज हैं इसके? जो हमारे को कागज, हमने जमीन खरीदी वो कागज है हमारे पास पक्के कागज, लेकिन कागज के कोई मान नहीं कर रहे हैं ये। पावर अटोनी चल रही है, हाँ पावर अटोनी के कागज हैं सबके, और कुछ नहीं है, पावर अटोनी है बस। खेत था इसका, खेत था उसी समय से चैन हमको मिल रहा है, तो खेत बोला जा रहा है कि वो खेत जो है ना कब्जा किया हुआ था, जब कब्जा किया हुआ था हम जब पावर ऑफ अटॉर्नी कराने गए थे तो सरकार कहाँ गई थी बताना? क्यों लगाई इस टाइम कोर्ट ने, क्यों लगाई हमको, पानी क्यों दिया गया? कितने लोग हैं यहाँ पर जो इस कॉलोनी में रहते हैं? कम 5,000 लोग हैं। 5,000? हाँ हाँ, 5 लाख लोग होंगे, 5 लाख लोग, 5 लाख लोगों के घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, 5 लाख लोग हैं, 5 लाख नोटिस आ गया 5 लाख लोगों का। एक महीने में सब कुछ हुआ है, 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। बिजली क्या इसके बदले में कोई और मकान दिए जा रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये बोल रही है हमारी जमीन है, सरकार कह रही है हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। नोटिस दिया 19 तारीख को, बिजली पानी सब काट दिया जाएगा और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस वाले लट मार, अब पुलिस वाले फिर हमारे को मार रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? 5 लाख घर कहाँ जाएंगे? हम छोटे छोटे बच्चे लेके हम बेघर, हमको बेघर करा जा रहा है, हमको हम कहाँ जाएंगे? इस तरीके 20-30 साल से यहाँ पे रहते हैं हम लोग, हमको बिजली दी गई है। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? हम 40-50 साल से रह रहे हैं, 40-50 कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का, 40-50 साल के मैं नहीं हूँ, मेरे घर वाले रह रहे हैं, मेरी पीढ़ी भी रहते हुए आई है, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से केस लड़ रहा है, तो हम भी 50 साल से रह रहे हैं, वो भी 60 साल से केस लड़ रहा है, उसके दादा परदादा फिर वो जीता है, अब आगे तो हमारे बच्चे हैं ये। आज यहाँ मेट्रो निकल गए ना, इसलिए ज्यादा सुनवाई हो रही है, मेट्रो हो गई। मैं आज बचपन से 25 साल का हो चुका, मैं बचपन से 25 साल का हो चुका, अब मेरे को इस चीज के लिए पता चला है। बंटवारा हुआ था तब से गेट चल रहा, तब से अब जाके उसका पोता गेट जीता है तो वहाँ तो बोर्ड लगाना चाहिए था कि ये हमारा प्लॉट है, बोर्ड लगाए नहीं, बिल्डरों ने फर्जी कागज बना के भेज दिया सबको, ये किसी के बाप का थोड़ा ना घर है, तो दूसरे घर में रहेंगे, सरकार हमें घर भी नहीं दे रही है, कहाँ रहेंगे? अब बताइए दूसरे के सालों बाद याद आए कि ये मेरी जमीन है और आधार कार्ड, वोट क्यों लिए गए हमारे से? वोट जीएसटी कटवा रहे हैं, वोट ले रहे हैं किस लिए? सारे प्रूफ्स भी हैं आपके पास, सब चीज़ आधार कार्ड से, सीवर भी है, सरकार ने सीवर डाले हुए, सब कुछ करा हुआ है, किस तरीके
नहीं। नोटिस किसके द्वारा भेजा गया? घर नहीं है। नोटिस पहले तो खंभों पे लगा रखे थे कई जगह, फिर अब नेट पे डाल दिया है। आप घरों में आ रहे हैं, आप घरों में आ रहे हैं, नोटिस आप घरों में आ रहे हैं। का टाइम दिया गया है मैडम जी, दो तीन दिन में 19 तारीख को करा कि सारा खाली कर देना है। अभी से कार्रवाई करूंगा, शुरू कर दूंगा कार्रवाई। इतना जल्दी कैसे हो सकता है? हम इससे पहले और टाइम चाहते हैं या फिर क्या चाहते हैं? खाली नगर नहीं चाहते हम, और चाहते हम ये चाहते हैं कि हम जहाँ इतने सालों से रह रहे हैं हम खाली क्यों करें? पहले ये बताओ क्यों करें खाली? 40-50 साल से लोग रह रहे हैं, हमारे पापा यहाँ भी आए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, इतने बड़े हो गए, बुढ़े हो गए, यहाँ पे इतने सब बुढ़े हो गए यहाँ पे, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं खाली क्यों करें हम क्यों करें खाली? ना हम जमीन लेंगे दूसरी जगह, ना खाली करेंगे, हम खाली नहीं करेंगे भाई। खाली करोगे भाई? कहने का मतलब ये है कि खाली कोई नहीं करेगा, घर छोड़ के कोई नहीं आएगा। मैडम सब हमारी यहाँ तीसरी पीढ़ी है, मेरे पिताजी की और मेरे दादाजी की पूरी कमाई यहाँ पे लगी हुई है, और हमने जो कागज कराए थे वो भी कोर्ट के बाहर से कराए थे या कोर्ट के अंदर से कराए थे। हम वहाँ कोर्ट में भी चोर बिठा रखे थे कि जो उनको पता ही नहीं चला कि हम कागज कहाँ के कर रहे हैं। ये हमारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है, हम यहाँ से खाली करके नहीं जाएंगे। सरकार के कोर्ट के बाहर के चोर बैठा रखे जिन लोगों ने हमारे कागज करे हैं। मैडम हमारी तो रजिस्ट्री भी है, मैंने तो गवर्नमेंट को स्टैंप पेपर ड्यूटी देके पक्की रजिस्ट्री करवा रखी है इस जगह की। 2 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी दे रखी है अपने मकान की, तब भी आपको कहा जा रहा है खाली करना? हाँ, उसमें हमारा भी मकान आ रहा है। बताओ गवर्नमेंट ने पैसे कैसे ले लिए फिर मेरे से? मकानों पे नोटिस दिया गया है, ये 520 मकान है कम से कम, 5 खसरों पे, एक खसरे में 500 मकान है, कम से कम 2500 मकानों को तोड़ने का दिया गया नोटिस। 17 तारीख को हमारी लाइट काट देंगे, बिजली काट देंगे, और 19 तारीख तक खाली करने को बोला है। 75 एकड़ जमीन है, उस 75 एकड़ में आप कुछ लगा लो, कितने मकान होंगे? कह रहे 19 तारीख को खाली कर दीजिए, 20 तारीख को हम तोड़ने आ जाएंगे, यूँ कह के गए। क्या फैसला लिया आप लोगों ने? मैम नहीं तोड़ने देंगे हम, हमारे अब यहाँ। मैडम हमको नोटिस इस टाइम पे दिया गया है कि हम कोर्ट भी ना पहुँच पाए। सारी तो भैया दोज की और छुट्टियाँ चल रही हैं दिवाली की, हम कोर्ट भी कैसे जा पाएंगे? हमको कैसे हम वहाँ पे जाके फैसला करवा पाएंगे अपना? बहुत कम टाइम दिया है, और 16 तारीख को कोर्ट खुलेगा, 17 से सारी प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी। बताओ हम कहाँ जाएंगे बस, इसलिए हम लोग आए थे यहाँ पे। उसमें भी हमारी कोई सब काट देंगे, खाली नहीं करेंगे तो सारा बिजली भी काट देंगे, पानी भी काट देंगे। 19 तारीख को तो छठ पूजा भी है, कोई नेता नहीं आया, बड़ा नेता जो हमको आश्वासन दिला सके। आपके निगम पार्षद हो गए या बाकी जो नेता होंगे वो कोई भी नहीं आया? मैम यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया। बुरारी से SD मैम आई थी, वो कह के गए कि मैं लड़ूंगी, मैं कहूंगी कोर्ट में, आप लोग चिंता मत करो, इतना कह के चले गए, और हम लोग नहीं जा रहे थे तो हम पे लाठीचार्ज करके भगाया गया। अगर आम पब्लिक परेशान होगी तो क्या करेगी? प्रोटेस्ट करेगी ना, अपने लिए तो लड़ेगी, अपने लिए तो खड़े होगी ना, तो क्या उसमें लठ चलाएंगे पुलिस वाले? हैं अपने ही घर से निकाल रहे और हमारी को लठ मारेंगे क्या? हैं यहाँ की जनता क्या गलत कर रहे हैं? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या पुलिस वालों ने क्या गलत? पुलिस वाले बोल रहे हैं यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट जाइए, कोर्ट में ये बात हुई जो सरकार चार्ज के घर हम नहीं बचा सकते हैं। लाठी चार्ज किया आप लोगों ने? लाठी चार्ज किया है, अभी तो भगाए हैं वहाँ से, रोड पे से तो वहाँ बैठे थे आप लोग, रोड पे बैठे सुबह से बैठे रोड पे, खाली पेट, अब भी कुछ ना खाए ना पिए, ऐसी है अभी तलक। सारे पूरी पत्ती हार भी बनाया किसी ने, किसी गली में लड़ी नहीं लग रही हमारे यहाँ पे, सारी ऐसा हो रहा है, सब इसमें लगा डाले। अरे हम लोग अंधेरे में रह रहे हैं, कोई दिवाली ने कुछ भी नहीं मना है, कोई इंसाफ नहीं है। हम लोग 30 साल से रह रहे हैं, कभी जमीन पर स्टे नहीं लगा, ना बोर्ड लगा कि हमारी लड़ाई की जमीन है, कोई ना खरीदे, नहीं हम लोग डर के मारे खरीदते भी नहीं, ना बसते हैं। 10 साल पहले खरीदी थी, 30 साल हो गया हम लोग, अभी तक कोई दिक्कत आई है रहने में? कोई भी नहीं, ना दिन से यह हुआ है कि कॉलोनी टूटेगी, 15 दिन एक महीने, फिर नापने वाले आ गए, नापने वाले 5 दिन के अंदर अंदर नोटिस भी भेज दिए। मैडम मैं एक मिनट भाई देखिए, मैडम जिस वक्त सारे नेता लोग आते हैं, जैसे केजरीवाल हुआ, BJP वाले हुए, कांग्रेस वाले हुए, वोट लेने के टाइम पे तो सभी आ जाते हैं। अब जब हम लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तो उस वक्त ये लोग कहाँ हैं? केजरीवाल कहाँ हैं? दिलीप पांडे कहाँ हैं? अरे मैडम दिलीप पांडे कहाँ हैं? देखिए मैडम दिलीप पांडे का आपका ये मुद्दा है कि कोई भी नेता मिलने नहीं आ रहा, आप लोगों की तकलीफ नहीं आया? हमारे यहाँ पे कोई नेता नहीं आया। और एक बात बताइए,
भी है ना, उस दिन क्या बोले कि हम तसल्ली दे रहे हैं कि इतना परिवार को, इतना यहाँ पे आदमी बसे हैं, इतनी पब्लिक बसी है, इसलिए हम लोग आए हैं जमीन नापने के लिए। तुम्हारा घर टूटेगा नहीं, डरो मत, कुछ भी डर नहीं है। सभी के जो भी मकान थे सबको बोल दिया तोड़ने के लिए? नहीं, बोले नहीं टूटेगा, खाली नाप जोख कर रहे हैं हम लोग पब्लिक दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से हम लोग जुड़े, बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि पहले इस तरह से रोड को जाम किया गया, क्योंकि ये वही रोड मैं आपको दिखा दूँ जहाँ पर पहले ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी भी आपको नजर आएंगे। कैमरा पर्सन से कहूँगे बार इस तरफ दिखाएं, आपको तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आएंगे जो लोगों को काबू पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे तस्वीरों के जरिए, रिपोर्टिंग के दौरान आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लोग तो वाकई में यहाँ पर परेशान थे जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने आए थे, उनके लिए सब कुछ मजाक था, बदतमीजी वो लोग कर रहे थे। आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से मुश्किलात पैदा कर रहे थे बोलने के लिए भी, इस वजह से वहां से निकलकर मुझे यहां पर आना पड़ा है अपनी बात को रखने के लिए और उन लोगों की आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। देखिए तमाम लोगों को जो है नोटिस दिया गया है जिसमें कहा गया है कि उन लोगों को अपने घरों से निकलना होगा, अगर नहीं निकलेंगे तो उनके जो घर है वो तोड़ दिए जाएंगे। हालांकि इस मामले में देखने वाली बात यह है कि ये लोग इतने सालों से रह रहे हैं, जैसा कि लोगों ने हमें बताया कि वो लोग कई सालों से वहां पर रह रहे हैं, सारे प्रूफ्स उनके पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक से एक बात कही जाती है कि बहुत पुराना कोई केस चल रहा था, एक शख्स वो केस जीत जाता और ये सारी जमीन उसी की है। हालांकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ रहे हैं कि अगर ये सारी बात थी कि ज़मीन ही फर्जी थी तो आखिर इन लोगों को रजिस्ट्री कैसे करने दी गई, जिसने ज़मीन बेची आखिर उससे इन लोगों ने खरीदी और जो रजिस्ट्री की गई है वो तो पूरी तरह से की गई है, तो आखिर वो रजिस्ट्री कैसे हुई, यानी कि वहाँ पर भी कोई गड़बड़ी सामने आई होगी। इसके अलावा भी कई स्तरों पर जो है घपलेबाजी भी सामने आएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अब इस पूरे मामले की मेरे ख्याल से एक निष्पक्षता से जाँच बनती है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि उन्होंने ज़मीन खरीदी है, सारे कागजात उनके पास हैं, उसके बावजूद भी अचानक से उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग जो मकान है वो खाली कर दीजिए। हालांकि इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है, जो भी वहाँ के लोगों की बातें थी वो मैंने आप तक रखी और ये ज़रूर बताया कि अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो यहाँ पर कितने ऐसे लेवल होंगे जहाँ पर ये सब धांधलेबाजी की गई है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।